अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आरजे मोटिवेशन चाहिए तो अपना वक्त वेस्ट मत कीजिए, इस वीडियो को स्किप करें और किसी और वीडियो पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि YouTube मोटिवेशन से भरी पड़ी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं है इस वीडियो में। क्योंकि जहाँ बात की जाती है बिल गेट्स की, जहाँ बात की जाती है उन लोगों की कि जिन्होंने स्टडी को छोड़ा और आज वो मिलियनर बिलियनर हैं, तो कितने हैं ऐसे लोग, कितने हैं? और ऐसे लोग कितने हैं कि जिन्होंने पढ़ के ना सिर्फ अपनी लाइफ बेटर की बल्कि दूसरों की भी बेटर की? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे तो आपको नज़र आएंगे, बाकायदा अपने अपने घरों में नज़र आएंगे, अपने मोहल्ले में नज़र आएंगे, अपने सिटी में नज़र आएंगे। तो पढ़ाई से भागना अच्छी बात नहीं है। और अगर आपके अंदर ये डिज़ायर पैदा हो रहा है ये वीडियोस देख देख के जहाँ बिल गेट्स की एग्जांपल दी जा रही है, तो ये आपको सिंपली आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आज मैं इसी पे बात करूँगा कि हमारा पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता, ये जानने के बावजूद कि पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, स्टडी से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो आज इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें होती है प्योर स्टडीज़ के रिलेटेड मैं वीडियोज़ डालूँगा नेक्स्ट भी, और अभी भी ये स्टडी के रिलेटेड ही है। एक बहुत प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मैं खुद स्टूडेंट हूँ और जो चीज़ मैंने नोट की आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो भी काम करते हैं ना, उसका दारोमदार होता है माइंड पे। मतलब एक काम जो हमारा माइंड करना चाह रहा है, हमारी बॉडी उसको फॉलो करती है। अब हमें एक आदत पड़ी हुई है कि ना पढ़ने की, पढ़ाई से भागने की। वो आदत कैसे पड़ी है हमें, वो कैसे बनी है, और हमने एक आदत डालनी है पढ़ने की, वो आदत कैसे बनेगी, इस पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो इस पे बात करने से पहले हमें माइंड को देखना पड़ेगा कि हमारा माइंड क्या चाहता है। क्या हमने अपने माइंड को ही उन कामों में लगा दिया है जो हमें पढ़ने से रोक रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो माइंड है ना, वो तकलीफ़ में नहीं आना चाहता, वो रेस्ट की हालत में रहना चाहता है। जब हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे फ़नी वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तब टाइम का पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि माइंड उस वक्त रेस्ट की पोजीशन में, उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब पढ़ना होता है तब सोचना होता है, बैठना होता है, फोकस करना होता है, कंसंट्रेट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब माइंड को करना पड़ती हैं तो फिर माइंड कहता है बस मैं तो नहीं करूँगा। तो उसका असर फिर बॉडी फॉलो करती है कि हाँ ठीक है यार, छोड़ पढ़ाई को। फिर हम दूसरी कोई मोटिवेशन एवें जो स्टडी के मामले में डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम उनको मोटिवेशन समझ लेते हैं। तो इससे अब आपको समझ आ गई ना कि माइंड की क्या फिलॉसफी है, माइंड क्यों हमारा पढ़ने में दिल नहीं लगता। क्योंकि हमने माइंड को इंटरटेन ही इतना कर दिया है ये चीज़ें देख देख के, हम अपने माइंड को थोड़ी सी तकलीफ़ देने को तैयार ही नहीं है। तो स्टडीज़ ऑल अबाउट योर माइंड कॉन्सेंट्रेशन, कि आपका माइंड कितना एक्टिव है, कितना वर्क करता है, ओके? तो अब बात करते हैं कि ये इसका सलूशन क्या है, ये हैबिट कैसे टूट सकती है। तो दोस्तों, आपको एक दिन में एक किताब नहीं पढ़नी है। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप जब भी बैठो तो ये बस कहो कि मैंने तो आज पूरा चैप्टर पढ़ देना है, मैंने तो आज पूरी बुक ही कंप्लीट कर देनी है, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो माइंड की आदत बनी हुई है, हमने पहले इसमें कमी लानी है, इसको तोड़ना है। माइंड को बताना है कि भाई तूने पढ़ना है, तूने काम से भागना नहीं है। और किसी भी काम में जहाँ आप जाने वाले हो, जहाँ आप जॉब भी करने वाले हो, वहाँ हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ स्टडी में हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि जब आपको जॉब मिलेगी या जब आपका डिज़ायर पूरा हो जाएगा तब आप हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपने क्या करना है कि जितना पढ़ना है ना, वो अच्छे से पढ़ना है। वो चाहे आप 10 मिनट पढ़ो, वो चाहे आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ना है ना, सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को कचरे के डब्बे में डालना है और जस्ट पढ़ना है। अपने माइंड को इस तरफ लाना है, अपने माइंड को आपने इस तरफ लाना है
कि भाई तू पढ़, तो इससे क्या होगा कि माइंड की हैबिट में कमी आ जाएगी, मतलब उसकी जो आदत पहले बनी हुई है ना पढ़ने की वो टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप ये फील करोगे कि आपकी आपका टाइम बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बढ़ाइए, पहले कम पढ़िए लेकिन जितना पढ़ना है वो अच्छा पढ़ना है, ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाने का टाइम बढ़ाते जाइए, तो इसी तरह आपकी माइंड की ये आदत टूटेगी। दोस्तों इसी तरह की रियलिटीज़ और फैक्ट अबाउट स्टडीज़ जानने के लिए और इनके सॉल्यूशंस को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो वक्त है बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।